हे व्हाट्सएप एवरीबॉडी, कैसे हो तुम लोग? क्या बोलती है पब्लिक? डोलो बोलो, हैप्पी होम में चैनल, हैप्पी होम चैनल में आ गए हो आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज का कंटेंट, आज के वीडियो के कंटेंट क्या है बोले तो, ककड़ी के बीज। ककड़ी के बीज से क्या क्या यूजेस है उसके, क्या बना सकते हैं, पूरे वीडियो में देखने जा रहे हैं हम। ककड़ी के बीज से आज चटनी बनाने जाने वाले हैं मेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में हैं, सेफ है, और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है यूट्यूब में पहली बार हम ही अपलोड करने जा रहे हैं। सो विदाउट लेट लेट्स बिगिन। ककड़ी के बीच, कुकुम्बर के सीड्स और इमली, टैमरिन और प्याज, ऑनियन, कौन सा भी ऑनियन ले सकते हैं, रेड चिल्ली पाउडर, मिर्ची, लाल मिर्च का पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट। और तो ये है ककड़ी, मैं उसका बीज निकाल दिया एक थाली में। हमारे पास बीज कम है ना, इसलिए छोटा थाली लिए। और ऐसे स्प्रेड करना कि एक के ऊपर एक बीज ना आए। ऐसे करने से क्या होता है, हमको धूप में एक ही दिन में सूख जाता है। मैं लक्ष्मण रेखा लगा लिया हूँ ताकि ककड़ी के बीज चींटी से बच जाए, क्योंकि हमारे पास तो लाल चींटी बहुत सारे हैं, वो आके खा लेंगे, इसलिए ऐसे पूरा घिस के रखा मैं लक्ष्मण रेखा। अब ठीक है, अब हमको इमली को ऐसे पानी में भिगोना चाहिए। भीगने के बाद प्याज कट करना चाहिए हमको। प्याज कौन सा भी प्याज ले सकते हैं, ज़्यादा बीज रहने से आप ज़्यादा प्याज लीजिए। ऐसे ऐसे करने से चटनी जो है हमको या तुमको किसी को चटनी जो है ज़्यादा आता है, उसको हमको फाइन से चॉप करना चाहिए। जैसे अब मैं करता हूँ ना, ऐसे फाइन से चॉप कर दीजिए। करने के बाद हमको प्याज काटने के समय आंखों में से पानी तो आता है, मगर पानी आंखों में से पानी नहीं आने के लिए मेरे पास एक नुस्खा है। वो नुस्खा ये है कि पानी प्याज काटने से पहले प्याज को पानी में 10 से 15 मिनट तक पानी में डुबो के रखना चाहिए। तब जो उसमें प्याज में जो एसिड्स रहते ना, वो हवा में स्प्रे नहीं होते, पानी में मिल जाएंगे और हमको आंखों में से पानी नहीं आता काटने समय। वो छोटा सा नुस्खा है, नहीं तो मैं इतना छोटा बच्चा उतना बड़ा प्याज कैसे काट सकता, आप ही बोलो। अब जो ये ककड़ी के बीज है ना, उस बीज के फायदे ना मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। उसका लाभ क्या है, उससे क्या क्या होता है, वो किसके लिए अच्छा होता है, तो मैं सब आपको आगे बताऊंगा। मैं ना यहाँ चटनी बनाने के लिए मूसल का इस्तेमाल किया, क्योंकि मूसल में जो भी बनाओ, इडली, वड़ा, डोसा, जो आटा पीसते हैं ना, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। उसको ना थोड़ा धो के कपड़े से साफ कर लीजिए। अब ककड़ी के बीज है ना, उस बीज को थोड़ा सा लाइटिश ब्राउन तक सिम, लो फ्लेम में थोड़ा सा, ज़्यादा भी ना को, ज़्यादा करने से हमको क्या है, पॉपकॉर्न जैसे फूलते हैं ऐसे ये भी फूल जाते हैं। फूल के वहाँ यहाँ कूदने लगते हैं ना, फिर से आपको तवा के ऊपर से वहाँ यहाँ पूरा आपके बीज जो है पूरा पूरा उधर इधर गिर जाते, तब फिर से आपको एक एक दाना को उठाने के लिए पूरा का ये हो जाता। तो अब क्या उसको क्यों फ्राई करना है आपको पता है या नहीं? अगर पता रहने से हमको कमेंट में बोलिए। ठीक है, उसको क्यों फ्राई करते, मतलब जब हम कूटते हैं ना, जब आसानी से बहुत आसान से कुटाया जाता है। अगर कच्चा वाला बीज लेने से हमको बहुत कष्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है कूटने के लिए। देखो मैं उसको थोड़ा फ्राई कर लिया, देखो पूरा हो गया कूटना। अब आप भी ऐसे थोड़ा
थोड़ा सा फ्राई करने से जल्दी कुटाया जाता है वो बीज को। तो देखो हम बीज को ठीक तरह से मतलब अच्छी तरह से फ्राई किए ना, इसलिए कितना जल्दी ये फाइन पाउडर जैसे हो गया। देखो कितना फाइन पाउडर है, ऐसे फ्राई करने से ना जल्दी हो जाता है पाउडर ना। मुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगे इसको पूरा चूरा चूरा पाउडर करने के लिए ऐसे मतलब। तो ऐसे करने से यहाँ देखो कितना स्पीड से घुमा रहा मैं। देखिए ये ककड़ी के बीज कितने फाइन से क्रश हो गया, पूरा सॉफ्ट से क्रश हो गया। अब इसमें क्या क्या कब कब डालना है मैं आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। अब पहले काटा हुआ सो प्याज है ना, फाइनली काटा हुआ सो प्याज अब इसमें डाल लेना है। डाल के इससे नरम से या सॉफ्ट से जो भी बोलो, सॉफ्ट से, फाइन से, नरम से, जैसे भी बोलो उसको आपसे कूट लेना है, नरम से कूट लेना है। उसको गोल गोल घुमाते घुमाते करने से अब मैं दिखाऊंगा ऐसे कूटो 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 अच्छे से कूटो। अभी तक हम लोग इसमें ककड़ी का बीज डाले, प्याज डाले हैं। अब और इसमें आपके टेस्ट के अनुसार आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर, कम तीखा चाहिए तो कम लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। डालने के बाद इन तीनों को मतलब जो हम बीज डाले हैं वो और प्याज और मिर्च, ये तीन डालने के बाद अच्छे से कूट लेना चाहिए। सब मिक्स होते हुए अच्छे से कूट लेना चाहिए। इस बीज के लाभ ये है कि इस बीज में ना बेटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में है। इस बेटा कैरोटीन के फ़ायदा ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम उसको बहुत बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग बढ़ाता है, उसका उसको बहुत ताकत देता है। हमारा इम्यून सिस्टम जितना अच्छा रहने से हमको उतना कम बीमारी आता है। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम कम रहता है ना, इसीलिए ये चटनी जो है छोटे बच्चों को खिलाने से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत बहुत बढ़ता है। और इसके साथ ये बीटा कैरोटीन जो है वो आई विजन छोटे बच्चों को होता है ना साइट, वो भी थोड़ा बढ़ाता है। साइट ने बढ़ाता विजन को बढ़ाता है, आंख की रोशनी को बहुत तेज रखता है। यह बीज जो है बच्चों से बुजुर्ग तक जिसको जिनको भी स्किन डिसीजेस है ना ज़्यादातर कम करता है। कम करने के बाद हमारा स्किन टोन है उसका स्किन का कलर स्मूथनेस बहुत बढ़ाता है। जैसे एडवर्टाइज में आता है ना संतूर मम्मी के जैसे, वैसे आपका फेस भी चमक चमक हो जाता है। स्किन ग्लो बढ़ाने के लिए हम इस चटनी को 1 हफ्ते को या 10 दिन को 1 बार या 2 बार भी खा सकते हैं। इस चटनी से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो इमली हमने भिगाया था पहले उस इमली को अब इसमें डाल लेना चाहिए, क्योंकि अब तक नरम बन जाता है इमली, तो अब हमको कूटने के लिए आसान बन जाता है। अब हम इमली को अच्छे से कूट लेंगे पूरा उसमें मिल जाने के तरह। ये चटनी ना आसपास पूरा चिपक जा रहा ना, इसलिए इसमें जो इमली का पानी है ना उसको डाल लेने से ना क्या होता, हमको ऐसे नहीं चिपकता, नीचे नीचे ही हो जाता, नीचे नीचे आता ना, इससे ईजी से हम इसको पीस सकते हैं। इन लाभों में से एक लाभ है वो ये है कि कैंसर, ये लाभ ना कैंसर को कम करता है। आप सुन ही रहे हो कि उसको कैंसर है, इसको कैंसर है, और इस कैंसर का मेन पॉइंट है इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक रहने से, इम्यून सिस्टम वीक रहने से हमको कैंसर आता है, और इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने से
हमारा कैंसर जो है कम होता है और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ये अचार उनमें से एक है। आपके घर में तो ये ककड़ी तो इस्तेमाल तो करते होंगे, दाल में, सांभर में या ककड़ी का सब्जी बनाने के लिए ऐसे ककड़ी को इस्तेमाल करते हैं और बीज को ऐसे ही फेंक देते हैं। आ गया लास्ट बट नॉट लीस्ट, नमक आ गया। आपके स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। नमक के बिना कौन सा भी आइटम नहीं बनता, नमक के बिना एक्सेप्ट स्वीट। इस ककड़ी को बीज को फेंको मत, इसको ककड़ी को जब भी काटते ना उस बीज को निकाल के एक थाली में रख के उसको सुखा लीजिए। सूखने के बाद एक डिब्बे में या किसी में भी इकट्ठा कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। जब भी खाने का मन होता है हफ्ते में, 10 दिन में, 2 हफ्ते में, नहीं तो महीने में 2 बार ऐसे करके जब भी मन लगता है उसको पीस के अच्छे से चटनी बना लीजिए। अगर चटनी खाने का मन नहीं है, अगर डोसा, इडली, वड़ा जो भी है उसको ये खाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इसका पाउडर भी बना के खा सकते हैं। पाउडर कैसे बनाना, मतलब कुछ भी नहीं, जैसे मैं पहले इसको फ्राई करके मैं इसको पीस लिया फाइन पाउडर के जैसे, ऐसे पीस के उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, बाद में थोड़ा मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए आपके स्वाद के अनुसार, बाद में उसको थोड़ा मिक्स करके, जस्ट थोड़ा मिक्स करके आपको जिससे खाना है, इडली या वड़ा या डोसा किससे खाना है उसके साइड में रख के खा लीजिए। अब हमारा चटनी जो है वो पूरा तैयार हो गया। अब इसको कुछ भी नहीं, अब इसको एक बाउल में लेना ही कम है। जब मैं इसको कूट रहा था ना, इसमें आने का स्वाद में तो खुशबू जो है, मैं स्वाद भी किया था, स्वाद भी चखा था, मगर वो क्लिप में नहीं आया। इसका खुशबू ऐसे आया वो बोलने से तो नहीं हो रहा, मुझे बोलने का तो नहीं हो रहा उसका स्वाद, उसका खुशबू के बारे में, मगर उसका खुशबू तो मस्त आ रहा ऐसे कूटने से। इसलिए आप भी अच्छे से कूट लो उसको। अब मैं इसमें बाउल में लेने का भी हो गया। अब इसको लास्ट में थोड़ा तड़का जो है ना, इसको तड़का भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, बिना तड़के का भी वो अच्छा रहता है चटनी। इसको अच्छे से चपाती से खा सकते हैं, इसमें घी डालने से भी बहुत स्वाद रहता है। इस चटनी को आप चपाती से खा सकते हैं, ज्वार के रोटी से खा सकते हैं, राइस चावल के साथ खा सकते हैं। और इसमें इस चटनी में घी डालने से रहता, देखो वो स्वाद कौन से चटनी पे भी नहीं आता, इतना अच्छा रहता है ये चटनी घी डालने से। इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें तड़का डालेंगे। अगर आपको तड़का पसंद नहीं है तो आप बिना तड़के के भी खा सकते हैं, तड़का बिना तड़के का भी अच्छा रहता है ये चटनी जो अच्छा रहता है, और आपको तड़का नहीं डालने से भी अच्छा रहता है। और क्या है, तड़का डालने से बीज में जो वो सीड्स आते हैं ना, जीरा सीड्स, वो ना दांतों के बीच में आके थोड़ा क्रश क्रश होते ना, जब थोड़ा वो वाला थोड़ा फ्लेवर ऐड होता है, बस तड़के का उतना ही फायदा है। ये वीडियो है ना यूट्यूब में, वी आर द फर्स्ट पर्सन टू अपलोड इट। अभी तक कोई भी नहीं अपलोड किए, कोई भी अपलोड नहीं किया इस वीडियो को, चाहिए तो आप सर्च कर लो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। और देखो तड़का बनाना भी हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।